वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये जो 100, 50, 500, 2000 के नोट आप लोग लेकर घूमते रहते हैं, तो क्या कभी सोचा है कि कहाँ से आते हैं ये नोट, कौन छापता है इन्हें और कहाँ पर इनका प्रिंटर इस्टेब्लिश्ड है? नहीं ना? तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में नोट की प्रिंटिंग और कॉइन्स की मिंटिंग कहाँ पर होती है। मैं हूँ विनय चौहान, और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस के टॉपिक पर अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियोस। और आज हम बात करेंगे भारत में नोट्स की छपाई और सिक्कों की ढलाई के बारे में। भारत में करेंसी की प्रिंटिंग का बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, और यह प्रोसेस शुरू होता है आरबीआई की हर फिस्कल ईयर की शुरुआत में इस कैलकुलेशन से कि देश को एनुअली कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी। तो आरबीआई हर फिस्कल ईयर की शुरू में ही एक मॉडल बनाता है और कैलकुलेट करता है कि इस फिस्कल ईयर में हर एक डिनोमिनेशन के कितने करेंसी नोट्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब जिन लोगों को फिस्कल ईयर का मतलब नहीं पता, उनको बता दूं कि फिस्कल ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर से, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च तक चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई ये कैलकुलेट करता है कि इस साल 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक कौन कौन सी डिनोमिनेशन के कितने करेंसी नोट्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये सब कैलकुलेट करने के कई सारे फैक्टर्स मद्देनज़र रखे जाते हैं, जैसे कि कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं जो कि देश में सर्कुलेशन में हैं, यानी कि मार्केट में घूम रहे हैं, कितने नंबर ऑफ नोट्स लास्ट फिस्कल ईयर में डिस्ट्रॉय हो गए हैं, यानी कि फट गए हैं, पुराने हो गए हैं या ना चल पाने की वजह से वापस आरबीआई पहुंच गए हैं, कितना इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है, कितना इन्फ्लेशन रहने वाला है यानी कि महंगाई, और बजट में गवर्नमेंट ने कितना रुपए का खर्च का प्रोजेक्ट किया है। तो इन सब फैक्टर्स को दिमाग में रखकर आरबीआई ये कैलकुलेट करती है कि कितना नंबर्स ऑफ करेंसी नोट्स वह इस साल में छापेगी। अब जब ये एस्टिमेशन हो जाता है कि इतना कैश रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, तो तब आरबीआई गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्ट करती है, सलाह लेती है, जहां पर क्वाइंस एंड करेंसी डिवीजन ये सब देखने के लिए अथॉरिटी बनाई गई है। तो सीसीडी और आरबीआई मिलके ये डिसाइड करते हैं कि कितनी करेंसी छापनी है। सीसीडी का यहाँ पर मतलब क्वाइंस एंड करेंसी डिवीजन से है, कहीं तुम कैफे कॉफी डे मत समझ बैठना। तो ये जो कितनी करेंसी छापनी है का जो फाइनल डिसीजन होता है, ये आरबीआई और सीसीडी के ऑफिशियल्स के बीच में सीक्रेट रहता है, और इस फाइनल डिसीजन के मुताबिक आरबीआई नोट प्रिंटिंग प्रेस को ऑर्डर प्लेस करती है, जिसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में इंडेंट टू प्रिंट करेंसी नोट्स बोलते हैं। तो इस इंडेंट में करेंसी की छपाई को लेके क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कौन सी डिनोमिनेशन के कितने नोट छपने हैं, यानी कि 10 के कितने, 20 के कितने, 50 के कितने, 100 के कितने, 500 के कितने और 2000 के कितने नोट छपने हैं। ये बिल्कुल इंडेंट में क्लियरली मेंशन होता है। तो भारत में नोट की छपाई करने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, मैसूर कर्नाटका, सालबोनी वेस्ट बंगाल, देवास एमपी और नासिक महाराष्ट्र। इनमें से जो 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं, मैसूर कर्नाटका और सालबोनी वेस्ट बंगाल, यह आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ओन करी जाती हैं। बाकी की 2, देवास एमपी और नासिक महाराष्ट्र की जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ओन करी जाती हैं। तो आरबीआई इन 4 प्रिंटिंग प्रेस को इंडेंट रेज करके ऑर्डर प्लेस करती है। अब ये प्रिंटिंग प्रेस जिस पेपर पर नोट प्रिंट करती हैं, वह पेपर भारत में सिचुएटेड 2 पेपर मिल्स के द्वारा डिज़ाइन, प्रोड्यूस और सप्लाई किया जाता है। और ये जो 2 पेपर मिल्स हैं वो है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद एमपी और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैसूरू कर्नाटका। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद 1968 में इस्टेब्लिश हुई थी
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ओन करी जाती है। वहीं बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2010 में इस्टेब्लिश हुई और ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रिजर्व बैंक की भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड दोनों की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। तो इन दोनों पेपर मिल्स में बैंक नोट का पेपर डिज़ाइन किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है, जहां पर पेपर में कई टाइप के सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड किए जाते हैं, जैसे कि 3D वाटरमार्क को ऐड करना, माइक्रो लेटरिंग और सिक्योरिटी थ्रेड्स डाली जाती है। फिर इसके बाद यह पेपर चारों नोट प्रिंटिंग प्रेस को सप्लाई कर दिया जाता है। अब ये प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर ऑप्टिकल वेरिएबल इंक से एडिशनल सिक्योरिटी फीचर ऐड करती हैं, जो कि आप रोशनी में ऊपर नीचे करके आसानी से यह देखते हैं कि ये नोट नकली है कि असली है। और फिर बैंक नोट पेपर की बड़ी शीट पर धड़ाधड़ छपाई स्टार्ट हो जाती है। एक शीट में अराउंड 40 2000 के नोट छपते हैं। फिर पीसेस कटिंग करके टेलीस्कोपिक मेथड के द्वारा इनकी नंबरिंग करी जाती है और पैक करके बंडल बना के RBI भेज दिए जाते हैं, जहां से RBI इन्हें पूरे देश में रीजनल सेंटर्स और स्टोरेज वॉल्स को नोट्स भेज देती है। वहां से ये नोट्स बैंक्स और ATMs में पहुंचा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो है नोट की छपाई का प्रोसेस। RBI की नोट की ज़रूरत की कैलकुलेशन से लेके बैंक तक करेंसी नोट्स पहुंचाने तक। अब देखते हैं सिक्कों की ढलाई। तो भारत में सिक्कों की ढलाई यानी कि क्वाइंस की मिंटिंग की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और यह काम करने के लिए भारत में 4 गवर्नमेंट मिंट्स हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। इन चारों में से जो सबसे पुरानी मिंट है वो है कोलकाता की मिंट, जो कि 1757 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसको कलकत्ता मिंट बोलते थे और यह मुर्शिदाबाद मिंट के नेम से सिक्के प्रोड्यूस करती थी। फिर 1790 में सेकेंड कलकत्ता मिंट इस्टेब्लिश करी गई, जिसमें इंग्लैंड की मॉडर्न मशीन लाकर लगाई गई थी। 1824 में थर्ड कलकत्ता मिंट इस्टेब्लिश करी गई, और अब जो कोलकाता की मॉडर्न मिंट है वह अलीपुर कोलकाता में इस्टेब्लिश करी गई और 1952 से ओपन करी गई। अब जो दूसरी सबसे पुरानी मिंट है वो है गवर्नमेंट मिंट ऑफ हैदराबाद, जो कि ओरिजिनली 1803 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई, और यह हैदराबाद में सुल्तान शाही मुगलपुरा में सिचुएटेड थी। 1950 में यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ गई और 1997 में यह प्रेजेंट लोकेशन चिरलापल्ली में शिफ्ट कर दी गई। अब तीसरी जो सबसे पुरानी मिंट है वो है मुंबई वाली मिंट, जो कि 1829 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी। 1876 यानी कि 1876 में यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी गई, और तब से लेकर अब तक यह इसी तरीके से चल रही है। अब जो नोएडा की गवर्नमेंट मिंट है यह सबसे नई है, और यह 1988 यानी कि 1988 में स्टार्ट हुई, और यह केवल एकमात्र मिंट है जो भारत में आज़ादी के बाद इस्टेब्लिश करी गई। अब देखते हैं कि आप कोई भी सिक्का देखकर ये कैसे पहचानोगे कि ये कौन सी मिंट का छपा हुआ है। तो सिक्के में अगर छपे हुए ईयर के नीचे डायमंड का मार्क बना हुआ है कुछ इस तरह से, तो ये मुंबई मिंट का सिक्का है, और अगर ईयर के नीचे स्टार बना हुआ है तो ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है, अगर ईयर के नीचे डॉट बना हुआ है तो ये नोएडा मिंट का सिक्का है, और अगर ईयर के नीचे कुछ भी नहीं छपा हुआ है तो यह कोलकाता मिंट का सिक्का है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई यही 4 मिंट करती हैं, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ओन करी जाती हैं, और फिर ये सिक्के RBI पहुंचा दिए जाते हैं, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मा RBI का रहता है। तो दोस्तों, ये तो था सिक्कों की ढलाई का प्रोसेस। अब देखते हैं नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई से लेकर कुछ फैक्ट्स। तो भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपीस का नोट और सारे क्वाइंस इशू करती है, वहीं 2 रुपये से लेकर ऊपर के सारे डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स RBI के द्वारा इशू करे जाते हैं। इसीलिए जो 1 रुपये का नोट होता है उसमें RBI के गवर्नर का साइन नहीं होता है, बल्कि उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है।
वहीं 2 रुपए और उसके ऊपर के डिनोमिनेशन के सभी करेंसी नोट्स में आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ 10,000 तक का नोट छाप सकती है। वहीं क्वाइनेज एक्ट 2011 के मुताबिक गवर्नमेंट मैक्सिमम 1,000 रुपए का सिक्का छाप सकती है। तो दोस्तों, ये तो था इंडिया में नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई पर डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।